हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आपने ये वीडियो स्किप कर लिया या ये जानकारी आपने नहीं ली तो ये जानकारी आपको कहीं से मिलने वाली नहीं है और ये कॉन्सेप्ट कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि ये इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में आते रहते हैं और किसी को इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड की। आज हम 701 इलेक्ट्रोड क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड की क्या विशेषताएं होती है, किस पर्पज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है और किस डायमीटर के लिए कितना करंट उपयोग करना चाहिए, इसकी कोटिंग किस प्रकार की होती है और इसको यूज़ करने का मेथड क्या होता है, क्या तरीका होता है 701 इलेक्ट्रोड का, तो सारा कुछ इस 701 इलेक्ट्रोड के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो इसमें आपका ही लॉस होने वाला है, मेरा कोई लॉस होने वाला इसमें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को या इवन टीचर्स को भी ये पता नहीं होता है कि इस 701 इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसको कैसे उपयोग किया जाता है और क्या क्या इसके यूजेज हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है और 701 इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो देख लीजिए, हमारे सामने ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का पैकेट रखा हुआ है। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पैकेजिंग होती है, ऊपर से प्लास्टिक का कवर भी लगा रहता है। ये इसलिए लगा रहता है ताकि ये जो हमारे अंदर इलेक्ट्रोड हैं उन तक किसी भी प्रकार की नमी ना पहुंचे, यानी कि वो मॉइस्चर ना हो जाए। ठीक है, उनकी कोटिंग क्या होती है, मॉइस्चर जल्दी पकड़ लेती है, तो कोटिंग को नमी से बचाने के लिए सबसे पहले इसकी पैकिंग मज़बूत की जाती है, अच्छी पैकिंग की जाती है। और इसाब की बात करें, ये जो आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोड इसाब कंपनी का, जो सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है इलेक्ट्रोड के बारे में। तो चलिए बाकी की चीज़ें भी अब इस इलेक्ट्रोड के बारे में देख लेते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर इलेक्ट्रोड के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है, ताकि इलेक्ट्रोड के बारे में हमें समझने में और भी अधिक हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, बेसिक कोटेड हाइड्रोजन कंट्रोल्ड आयरन पाउडर टाइप इलेक्ट्रोड, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड है और इसकी ये जो कोटिंग है आप देख रहे हैं, ये वाइट वाली कोटिंग होती है फ्लक्स की, इसके अंदर आयरन पाउडर है। आगे बात समझ में। और साथ ही क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन कंट्रोल, यानी कि इसका प्रयोग आप MS को वेल्ड करने के लिए तो कर ही सकते हैं, यानी कि माइल्ड स्टील को वेल्ड करने के लिए तो प्रयोग कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मीडियम कार्बन स्टील को भी वेल्ड करना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रोड का आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे वेल्डिंग के अंदर किसी भी प्रकार की क्रैक नहीं आएगी। यानी कि हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड का यही उपयोग है कि वो क्रैक रहित वेल्ड प्रदान करता है आपको। तो इसके अलावा भी देख लेते हैं कि हमारे पैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, डिपोजिटिंग क्रैक्स रेजिस्टेंट, यानी कि इसके द्वारा जो बीड़ लगाएंगे, इसके द्वारा जो भी आप वेल्ड मेटल डिपॉजिट करेंगे वो क्रैक फ्री रहेगा, यानी कि उसके ऊपर जल्दी से क्रैक आने की संभावना नहीं रहती है। एंड रेडियोग्राफिक क्वालिटी वेल्ड, यानी कि इससे जो आपको क्वालिटी मिलेगी, इस इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग से जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो रेडियोग्राफिक यानी कि एक्सरे क्वालिटी आपको मिलेगी, यानी कि बढ़िया वेल्डिंग बीड आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप इससे वेल्डिंग करेंगे। इसके अलावा देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। बाकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, 90 पीस, यानी कि इस बॉक्स के अंदर आपको ऐसे इलेक्ट्रोड के 90 पीस इसके अंदर मिलेंगे आप नया बॉक्स लेंगे तो। इसके साथ ही आप देख सकते हैं साइज, यानी कि इलेक्ट्रोड का साइज, यानी कि इस पैकेट के अंदर किस साइज़ का इलेक्ट्रोड आपको मिल रहा है तो वहाँ पर देख सकते हैं आप। यह लिखा हुआ है 3.15 × 450 mm, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो डाया है, आप डाया कैसे मेज़र करते हैं, ये जो हमारा कोर वायर है बिना कोटेड, यानी कि जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं चढ़ी होती है उसको कहते हैं कोर वायर। इसका जो डाया है आप देख सकते हैं ये होता है 3.15, देख सकते हैं आप यहाँ लिखा हुआ है 3.15, यानी कि ये डाया, ये वाला इस वायर का डाया जो है 3.15 है और टोटल जो लेंथ है यहाँ से लेकर
और यहाँ तक की जो लेंथ है वो हो यहाँ पर 450 mm यहाँ पे मिलने वाली है आपको। तो इसी के साथ बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं, अप्रूवल्स यानी कि ये सर्टिफाइड हैं ABBS, BV, IRS, LR, Toyo, MN, Buster, BIS, IBR यानी कि यहाँ से इनको अप्रूवल मिला हुआ है। साथ ही इसका प्रयोग हम DC प्लस यानी कि DC करंट पॉजिटिव पोलरिटी के साथ ऐसी वेल्डिंग मशीन के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए इस इलेक्ट्रोड के लिए जो हमें करंट सेट करना होगा 70 वोल्टेज और 80 से 130 एम्पियर हम वेल्डिंग मशीन के ऊपर सेट करेंगे और इस इलेक्ट्रोड को चलाएंगे तो अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो AWS की इसका जो कोडिंग है वो है A5 के साथ ही E7018 इलेक्ट्रोड। तो हम AWS कोडिंग को ही बताते हैं कि ये इलेक्ट्रोड की कोडिंग क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड है। तो आप देख सकते हैं E7018 इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के ऊपर भी मार्किंग आती है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आपके सामने, मैं बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये इलेक्ट्रोड का जो एंड होता है यानी कि स्टब एंड के पास में ही यहाँ पे लिखी होती है कि ये इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो आप देख सकते हैं इसाब ये कंपनी का है और 36HE ये इसके कोड हैं। HE का मतलब होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और 7018 इलेक्ट्रोड। आप देख सकते हैं पूरी मार्किंग यहाँ पे दी हुई रहती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड के बारे में एक सीक्रेट और है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। ये पैकेट तो कोई भी रीड करके बता देगा लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। तो आप ध्यान रखना, आपके फ्यूचर के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण थिंग यही है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, इसका उपयोग करने से पहले इस इलेक्ट्रोड को ओवन में गर्म किया जाता है यानी कि इसको पहले प्री हीट किया जाता है। इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है, प्री हीट किया जाता है ओवन के अंदर। कितने टेम्परेचर पर करते हैं, तो इसका है 150 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ओवन के अंदर एक घंटे के लिए हम क्या करते हैं, रख देते हैं, जिससे क्या हो जाता है इसकी कोटिंग के अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह है, ये देखिए बेसिक कोटिंग है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिक कोटेड हाइड्रोजन कंट्रोल आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। बेसिक कोटिंग का अधिकतर यही रहता है कि बेसिक जो कोटिंग होती है वो जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है यानी कि उस कोटिंग के अंदर नमी आ जाती है और वो नमी को अपने अंदर सोख लेती है। तो इस कोटिंग के अंदर जो भी नमी वगैरह चली गई है उस कोटिंग को ड्राई करने के लिए हम पहले इसको ओवन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आगे बात समझ में, आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि अगर हम इस इलेक्ट्रोड को बिना गर्म किए यानी कि बिना ड्राई किए, बिना प्री हीट किए डायरेक्ट अगर यूज़ लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा। डायरेक्ट भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, गर्म नहीं करें और डायरेक्ट यूज़ करें तो क्या होगा। तो ये आपको बता दूं, अगर आप इसको बिना ड्राई करें या इसके अंदर अगर मॉइस्चर है और आप सीधा यूज़ करते हैं तो पहली बात तो इसकी जो आर्क है वो स्थिर नहीं रहेगी, बार बार ये इलेक्ट्रोड चिपकेगा और इसकी आर्क जो है प्रॉपर नहीं बनेगी। दूसरा, इसको उपयोग करने के बाद में जब आप वेल्डिंग बीड लगा लेंगे तो वेल्डिंग बीड में पोरोसिटी नाम का डिफेक्ट आपके वहाँ पे आ सकता है यानी कि बीड के अंदर बारीक बारीक होल वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो ये दिक्कतें उसके अंदर आ जाएगी, इलेक्ट्रोड भी वहाँ पर आपका अच्छे से नहीं चलेगा। तो वेल्डिंग करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं अगर आप इसको बिना ड्राई किए या मॉइस्चर हुआ हुआ इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोड का पैकेट है उसके ऊपर ही ये कोटेड आता है यानी कि प्लास्टिक की कवर आती है, आप देखा होगा मैंने इसके ऊपर से आपको दिखाने के लिए प्लास्टिक का कवर हटा दिया है। वो इसीलिए आता है कि ये बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड है और हल्की सी नमी भी ये ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, अपनी कोटिंग के अंदर। इसके लिए इसको पैकेट को अच्छे से कवर करके तैयार किया जाता है, बाद में अगर हम यूज़ करते हैं उससे पहले भी इसको थोड़ा हम ड्राई कर लेते हैं और उसके बाद में अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी आपको वेल्डिंग के लिए मिलेगी। और रेडियोग्राफिक क्वालिटी जो आपको ये बता रखा है, वाकई में ऐसी क्वालिटी ही यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि मैं तो काफ़ी यूज़ करता हूँ इस इलेक्ट्रोड का क्योंकि मुझे जॉइंट बिल्कुल मजबूत और क्वालिटी वाला वेल्डिंग वहाँ पे
चाहिए होता है। इसके लिए मैं 7018 इलेक्ट्रोड को प्रेफर करता हूँ। तो कैसा लगा आपको आज ये 7018 इलेक्ट्रोड का छोटा सा टॉपिक? मुझे पता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चाहे एग्ज़ाम हो चाहे इंटरव्यू हो, आप 7018 इलेक्ट्रोड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब सारे क्वेश्चंस या सारे सवालों का जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने 7018 के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक लिया और बहुत सारी जानकारी ले ली, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको कौन सा क्लियर करना है। मैं ज़रूर उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।